नहीं नहीं हवा का में ये रास्ते पे ऐसा आवाज नहीं कर अभी जा रहा हूँ बेड शॉप में क्योंकि यार घर पे थोड़ा मुझे मन नहीं लग रहा था, तो भाई मेरा मन फ्रेश करने की सिर्फ एक ही जगह है जो कि है भाई बेड शॉप और एक्वेरियम शॉप, जो कि यार वहाँ पे न्यू न्यू फिशेज देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है। तो चलो भाई चलते हैं और मैं आपको भी लेकर चलता हूँ, तो कुछ अच्छा लगे तो हम वो भी ले लेंगे वहाँ से। हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ पेट शॉप में और यहाँ पे देख सकते हो भाई ओरेंडा गोल्डफिश और यहाँ पे है ओरेंडा रेड कैप गई और ये ओरेंडा गोल्डफिश है और ये है कोई फिश जो कि मिक्स कलर में है और यहाँ पे पहले मैं सारे फिश देख लेता हूँ फिर मैं पैकिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है फाइटर फिश और अलग अलग वराइटीज़ की, मैंने एक डज़न फाइटर फिश ले ली है जो कि भाई हमारे सेटअप में हम ऐड नहीं करेंगे बट लेके जाएंगे हर घर पे। और यहाँ पे है दोस्तों गोल्ड फिश जो कि मैंने ले चुका हूँ और पैकिंग भी कर चुका हूँ, तो हम अभी सीधा उनको देखेंगे घर पर। और अभी हम यहाँ का जो बर्ड्स वगैरह है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यार बजीज़ हैं जो कि ये बड़े साइज़ की बजीज़ हैं जो कि ब्रीडिंग साइज की है, मतलब ये पूरी अडल्ट साइज की है। और ये देख सकते हो भाई कितने सारे अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। और यहाँ पे है नीचे सेमी अडल्ट और इनका कलर भी देख सकते हो, येलो वगैरह ग्रीन कितना खूबसूरत कलर है यार, तो हमारे मैंगो जैसे ही सेम। और यहाँ पे है कॉकटेल जो कि सारे के सारे सोए हुए हैं, क्यूट क्यूट कॉकटेल्स। और यहाँ पे क्या है यार, तो दोस्तों यहाँ पे है लोबर्ड्स जो कि वाइट कलर में है, मैंने यार ये बहुत रेयर कलर है यार, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार ये वाइट वाला, ये वाला कितना क्यूट है यार, वाओ। और ये सारे के सारे नहीं, यहाँ पे एक ब्रीडिंग पेयर है जो कि इनको यार एक छोटा सा बॉक्स भी लगा हुआ है जो कि ये यहाँ पे एग्स वगैरह देंगे, देखो यार कन्फर्म पेयर है यार ये, मतलब तो यार मुझे भी ये मतलब मुझे बर्ड्स यार इतने देखा जाए तो इतने अच्छे नहीं लगते बट यार मुझे लो बर्ड्स लेने हैं यार, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं यार ये, तो देखेंगे यार आगे जाके हमारे सेटअप में ऐड ज़रूर करेंगे इनको भी। और यहाँ पे है जावा फिंच, ये बहुत खूबसूरत होती है, अपने पास थी यार ये बट ये हम पता यार आपको हमारे यहाँ पे कोई आया था रिलेटिव्स का लड़का, उसने छोड़ दिए थे सारे के सारे। और यहाँ पे है ये भी लोबर्ड्स है जो कि ये थोड़े अडल्ट साइज के लग रहे यार मुझे। और यहाँ पे है फिंच जो कि मेरा फेवरेट बर्ड है यार, फिंच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फिंच थे यार पहले। और यहाँ पे लोबर्ड्स, ये भी लोबर्ड्स हैं, ये भी ब्रीडिंग पेयर में यार पेयरिंग में रखे हैं, मतलब ये भी पेयर है। और यहाँ पे नीचे ये भी फिंच है, थोड़ी स्मॉल साइज की फिंचेस है ये। और यहाँ पे अंदर क्या जाते हैं, अंदर 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 तो यहाँ पे है दोस्तों गोल्ड साइज जो कि बड़े बड़े साइज़ की यार, और ये टैंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई, मतलब 10 फुट का तो होगा ही यार वो। और यहाँ पे है दोस्तों पिजन्स, मतलब यहाँ पे उड़ान वाले फैंसी पिजन वगैरह आपको सब अवेलेबल है भाई, तो पेट शॉप भी है और एक्वेरियम शॉप भी है। और यहाँ पे है बड़े बड़े डक्स यार, थोड़ी ना बैक वॉइस आपको आ रही होगी तो उसके लिए यार बिल्कुल सॉरी यार। और यहाँ पे है उड़न वाले पिजन्स, ओ भाई ये क्या है भाई अलग ही, मतलब ये यार मैंने पहली बार देखी यार ये अलग क्या यार मुर्गी यार, मैंने पहली बार देखी यार ये, शायद से मुझे ऐसा लगता नहीं फाइटर मुर्गी है यार। यार आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई ये चीज़ क्या है, अलग ही बर्ड है यार ये, कितना बड़ा है यार ये। और दोस्तों अभी हमारा जो बर्ड्स का जो फूड है वो भी मैं ले रहा हूँ, तो चलो ये पैक करते फिर मैं आपको मिलता हूँ। वही कर देगा भाई, तो दोस्तों हमारा ड्राई का जो फिश वगैरह का जो सब में हमने जो लिया शॉप से हमने अभी सब गाड़ी में भर दिया, फिर आपको मिलता हूँ घर पे। फाइनली दोस्तों हम अभी घर पहुँच चुके और मैं सबसे पहले मेरे दोस्त के शॉप पे आ गया। और एक चीज़ यार आपको दिखानी थी, मैंने आपको दिखाई नहीं, तो ये चीज़ है भाई वो, ठीक है ये है भाई साइबर एंड हस्की, भाई मैंने नहीं ली है ये मेरे दोस्त ने ली, इसको पहचानते होगे आप, ये डॉक्टर टोनी। तो भाई ये देखो भाई है बड़ी, ये थोड़ी एग्रेसिव है यार क्योंकि ना थोड़ा इसमें ट्रैवलिंग किया ना थोड़ी बहुत डर गई है और पुराने ओनर से न्यू ओनर के पास आई हुई, तो ये थोड़ी एग्रेसिव है। ये देखो कैसे मेरे, देखो देखो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, मैं तो डॉग से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, ठीक है। और हमारा जो सरप्राइज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा भाई कल का क्या सरप्राइज़ है, तो कल का भाई ये सरप्राइज़ था हमारा,
तो मैंने यही ना ये गोल्ड है ना, इतनी कम क्यों लग रही है यार, 50 गोल्ड है यार, इतनी कम लग रही है। तो ये पूरी 50 गोल्ड फिश है जो कि मैंने ले ली। और क्या लिया भाई मैंने, और फाइटर फिश है जो कि ये देख सकते हो भाई पूरे के पूरे पैकिंग है। ये फाइटर फिश कितने हैं देखना भाई, मेरे 12 फाइटर हैं भाई सर। तो ये 12 फाइटर फिश हमने ले लिए, तो चलो भाई अभी हम इनको लेके जाते हैं घर पे। और भाई ने क्या क्या स्टॉक में लाया है शॉप में तो वो भी देख लो। तो यहाँ पे भाई ने भी गोल्ड फिश ली, ओए ये गोल्ड फिश है शायद से, वो छोटी वाली दोनों में 50-50 है। हाँ ना यार, फिर लग क्यों रहा है यार ये कम ही ज़्यादा, दोनों में 50-50 है क्या पता होगा। चल कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो चाहिए वो लेके जा, दोनों लेके जाओ, मैं मुझे बेचने के लिए कुछ चाहिए ना भाई। ठीक है चल, तुझे 50 रेट देता मैं 50 लेके जाता, ठीक है ओके। भाई को सेलिंग के लिए चाहिए। और यहाँ पे है मोली फिश जो कि थोड़े दिन में अपने ही पास आने वाली है, मतलब मैं ही तेरे से खरीद लूँगा, ठीक है। और ये है गोल्ड फिश थोड़ी मीडियम साइज की। और यहाँ पे है ओरेंडा गोल्ड, देखो भाई ये है ओरेंडा गोल्ड, ओके उधर की ओरेंडा गोल्ड है, एक रेड कैप गोल्ड है और एक कौन सी है, रेड है ना, रेड कैप ओरेंडा है, हाँ 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 ओके ओके। चलो ठीक है यार, ये हमारे सेटअप में हम भी एक दिन ऐड करेंगे, अभी जगह नहीं यार मेरे रखने के लिए। तो चलो अभी मैं जल्दी जल्दी लेके जाता हूँ। कि क्या कर दो, पहले ना मेरे दोस्त को थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, अभी हम ना सारे फिशेस के टेम्परेचर सेट कर लेते, फिर हम सारे फिशेस भाई टैंक में ऐड कर देंगे, और जो मेरी मतलब हमारे इधर डेजी फिश के बाकी सब हम घर लेके जाएंगे। तो चलो कैसा ऐसा टेम्परेचर मैच करते क्या, हमें पता नहीं है। अभी टैंक का पानी तो कम करे यार, पानी सब नीचे आ रहा है, मेरा सिस्टम अलग है भैया। अच्छा ओके, तो आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि भाई के पास बुली डॉग है, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ भाई इससे, मैं इतना ज़्यादा डरता हूँ ना। ओए बुली, ये है भाई बुली डॉग, बहुत भाई। कंप्लीट 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो भाई सबसे पहले ना मॉली फिश छोड़, ये वाली लाइट लगाना यार, लाइट नहीं कहते एक्वेरियम में यार, क्या लाइट लगाना यार, क्या तू भी अभी रिस्क नहीं लेने का, धीरे से छोड़। वाओ यार इसका कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, वाओ ओके। मेरे पास सुने क्यूट वाली गप्पी भी शेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्यूट गप्पी। ओके छोड़ दी सारी गोल्ड, मिल जाऊंगा आराम से, ठीक है अभी तो आराम कर और थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम तुझे मिलेंगे यार। इसके आईज बहुत अच्छे लगते हैं यार, बाकी भूल गया। अरे पानी तो कम कर यार, इतना पानी कौन भरता है भाई। वन टू नहीं मैं छोड़ूंगा एक मिनट, तू मेरा वीडियो निकल, छोड़ने का वीडियो ना भाई जो मैंने यहाँ से छोड़ा ना, वो वीडियो मैं शॉर्ट्स में ऐड कर दूंगा, तो देख सकते हो यार कितनी सारी गोल्ड फिश है हमारी, क्यूट 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 क्यूट। चलो ठीक है अभी हमारे जो 50 गोल्ड फिश है हम घर लेके जाते, फिर मैं आपको मिलता हूँ। पहले मैं घर पे पहुँच चुका हूँ हमारी फिश लेकर, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी गोल्ड फिश है, फाइटर फिश तो हम अलग इसमें रखने वाले हैं यार, फाइटर फिश कहाँ रखेंगे यार, फाइटर फिश के लिए हम ग्लास लेके आएंगे, ग्लास में रखेंगे ठीक है, क्योंकि छोटे बेबीज हैं ना फाइटर फिश, इतने बड़े भी नहीं कि यार इनको ये बड़ा टैंक दिया जाए, ठीक है। तो यार हम इनके लिए छोटा कुछ एडजस्ट करेंगे, ठीक है वो मैं कल करूँगा, आज हम पहले गोल्ड फिश का यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे जो गोल्ड फिश है ना मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, हमारे सारे के सारे गोल्ड फिश। यार आज काफ़ी ज़्यादा थक गया हो भाई, बहुत ज़्यादा काम था यार आज, तो मैं क्या करता हूँ पहले अभी ये वाला जो टैंक है ना अच्छा सा साफ कर लेता हूँ। पहले देखो यार ये जो ब्लर ब्लर हुआ है ना ये सारा मैं निकल लेता हूँ, तो अभी इसकी मदद से हम हमारा सारा ये टैंक साफ कर लेंगे। तो देखो ये कैसे करना है, ये है भाई एक्वेरियम ब्लेड जो कि यार सिंपल सा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये लो जी
ये हो रहा है भाई सारा का सारा अलगी क्लीन, क्योंकि यार यहाँ से धूप आती है ना, धूप आने की वजह से हमारा टैंक पूरा ग्रीन हो जाता है। ये फिशेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट इतना अच्छा नहीं दिखता यार ये। मैं क्या करता हूँ, हमारा टैंक जो है वो क्लीन हो गया है, तो ये देख सकते हो भाई पूरा का पूरा क्लीन हो गया। तो अभी मैं इनका जो वाटर है ये पहले टेम्परेचर सूट करवा लेता हूँ। ओके यार, यहाँ पे हमारे थोड़ा टक्सिडो गप्पीज रह गई थी यार। ये टक्सिडो गप्पीज मैंने मेरे दोस्त के पास दी थी भाई, उसके यहाँ पे इतनी सारी ब्रीड हुई ना, तो मेरा दोस्त बोला कि भाई आपकी टक्सिडो गप्पी वापस ले लो, तो मैंने उसे ले ली वापस। और उसके पास और टक्सिडो गप्पीज है। इंतजार के बाद कंप्लीट अभी 10 मिनट्स हो चुके हैं, और 10 मिनट्स से ज़्यादा हो चुके होंगे यार। तो चलो मैं अभी ना इनको छोड़ देता हूँ, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है ना ये नहीं पहले छोड़ देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों मैंने हमारे सारे के सारे गोल्डफिश यहाँ पे छोड़ दी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि यार ये ना भाई पूरा नेचुरल वाटर है, इसको पूरी सनलाइट वगैरह मिली, और आजू बाजू को जो है ना भाई टैंक के साइड ग्लास को थोड़ी बहुत अलगी भी आई है, और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ठीक है, अभी मैं इनको यहाँ पे एक से दो दिन हम इनको यहीं पे रहने देंगे। और सबसे पहले ऑक्सीजन चालू कर दो यार, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, गोल्ड फिश के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये विदाउट ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो मैंने इनका ऑक्सीजन चालू कर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं इनको, मतलब इसमें ही थोड़ा फिल्ट्रेशन वगैरह ऐड है, तो ये आराम से पानी भी चेंज करता रहेगा। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको मैं कल के वीडियो में। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यार एक बताते जाना कि भाई हमारे जो गोल्डफिश है ना, गोल्डफिश यार कहाँ पे रखो ना यार, मैं तो लेके तो आया यार कहाँ पे रखे ना, तो आप मुझे वो ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई हम वो कहाँ पे रखें। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।